ये नई वैरायटी जितनी भी है इन वरायटियों का इतनी ट्रिलिंग है इतना ब्यांत है ये कम से कम आठ दस कम से कम आठ आपको गन्ने मिलेंगे आठ से पंद्रह बीस गन्ने एक आँख से आप लोगों को मिलेंगे जय जवान जय किसान दोस्तों संधु एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधु आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज हम आए हैं गांव नसीरपुर तहसील धनोरा जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश में सोमदत्त सैनी जी के गन्ना फार्म पर ये पिछले काफ़ी समय से नई नई वैरायटी पर काम कर रहे हैं और इससे एक अच्छा उत्पादन ले रहे हैं यदि मेरा कोई किसान भाई ट्रेडिशनल खेती कर रहा है और यदि वो इन वेरायटीज़ को अपनाएगा तो वो इससे एक अच्छा उत्पादन ले सकता है तो चलिए आपको मिलवाते हैं सोमदत्त सैनी जी से और जानते हैं इन नई वेरायटीज़ के बारे में सैनी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए किसान भाइयों नमस्कार मेरा नाम सोमदा सैनी ग्राम नसीरपुर जिला अमरोहा वेब सुगर मिल का किसान हूँ और मैं गन्ने के नए नए बीजों की खेती करता हूँ सैनी साहब ये जो आपने वैरायटी लगाई हुई है ये कौन सी वैरायटी है गन्ने की डाक साहब ये गन्ने की वैरायटी तेरह पंद्रह जीरो तेईस और तेरह दो सौ पैंतीस और चौदह दो सौ एक नई किस्म है कितना उत्पादन है इसका एक एकड़ एक में पंद्रह जीरो तेईस वेराइटी का उत्पादन पिछले वर्ष हमने बुआई की थी और उसका उत्पादन नब्बे कुंटल प्रति बीघा उत्पादन आया था और तेरह दो सौ पैंतीस का उत्पादन एक सौ दस कुंटल लगभग हम लोगों को उत्पादन मिला था और चौदह दो सौ एक का भी उत्पादन लगभग सौ कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से हम लोगों ने लिया था जी ये जो आपने लगाया हुआ है गन्ना बेसिकली क्या उद्देश्य है आपका इतना गन्ना लगाने का और कितना आपने लगाया हुआ है ये ये डॉक्टर साहब मेरे पास लगभग सत्तर बीघे गन्ना है और सब नई नई वैरायटी हैं जिसमें पंद्रह जीरो तेईस और तेरह दो सौ पैंतीस और चौदह दो सौ एक तीनों ही वैरायटी हैं जो आज की तारीख़ में बहुत ही डिमांडेबल वैरायटी हैं क्योंकि जीरो दो सौ अड़तीस जो गन्ना वैरायटी होती थी उसमें टॉप बोरर की समस्या इतनी आ गई तो इसलिए किसान की भी एक कहीं ना कहीं मजबूरी हो गई कि जबकि दो सौ अड़तीस बहुत बढ़िया वैरायटी है लेकिन नए बीजों की तरफ जाना जाया जाना चाहिए इसलिए हम लोग ये नए नए बीज सौ संस्थानों से लेकर आए हैं हमारे मिलने में दिलवाए हैं और उनकी हम लोगों ने बुआई की है सब कुछ जाहिर है कि गन्ना और बेसिकली गुड़ या शक्कर के पर्पज़ से तो आपने नहीं बोया होगा नहीं गुड़ और शक्कर के पर्पज़ से हम लोगों ने नहीं फ़िलहाल तो हम लोग ये सब कुछ किसानों को बीज प्रोवाइड कराएंगे और बाकी उसके बाद जो बचेगा आपने मिल को सप्लाई करेंगे ये जो गन्ना बेसिकली आप बुआते हैं या किसान बोता है कौन से मौसम में लगाया जाता है डॉक्टर साहब हम लोग मेनली तो अगस्त सितंबर में गन्ने की बुआई करते हैं आप इसे कह सकते हैं मानसूनी बुआई क्योंकि इस समय हम लोग इसके साथ में एक सहफसली खेती भी ले लेते ले ले हैं ले लेते हैं उससे हमें एक्स्ट्रा इनकम या जो हमारी लागत आती है वो वो सब कुछ भी उसमें हम हम लोग वापस मिल जाती है और गन्ना भी अच्छा होता है कौन सी सहफ़ फसल बोते हैं आप हम लोगों ने हम लोग जो मेनली बुआई करते हैं आलू की बुआई करते हैं अच्छा हाँ जी जब मतलब आप गन्ना लगाएंगे बाद में आलू की फसल भी आप उसमें लेते हैं आलू की फसल लेते हैं इनमें आप जो उर्वरक डालते हैं या खाद डालते हैं देसी डालते हैं कौन सी खाद डालते हैं डाक्टर साहब इसमें हम लोग सबसे पहले तो ढेंचे का पाल हरी खाद कहना चाहिए ग्रीन मैनुअल हम उसका उसका ढेंचे की बुआई करते हैं उसके जुताई करने के बाद में हम लोग जब गन्ने की बुआई जमीन तैयार हो जाती है तो उसमें हम लोग कूड़ी का खाद गोबर का गला खाद हम लोग खूड़ खूड़ उसमें डालते हैं और गन्ने की बुआई करते हैं जी मतलब गन्ने से बोने से पहले जब आप ये खूड़ बना लेते हैं टंच से

तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जर्मिनेशन भी प्रभावित होता है और पेड़ पेड़ों की ए, लेंथ में भी कहीं ना कहीं अंतर आता है तो इसलिए हमारा मेन मकसद यही है ये कि सिंगल आँख बुआई हो उससे एक एक आँख पहली बात तो ये पता चल जाता है कि एक ये आँख हमारी ठीक है या खराब हो गई तो इसका एक मेन उद्देश्य हम लोगों का सिंगल आँख बोने का एक ये भी है मैंने देखा जब मैं छोटा था हम लोग बड़ी बड़ी पक्षियाँ काट के बोया करते थे गन्ना जी ठीक है एक आँख से तो बहुत कम बीज लगता होगा एक आँख से डॉक्टर साहब जो आजकल की नई किस्में हैं आप मान लीजिए तेरह दो सौ पैंतीस वराइटी है तेरह दो सौ पैंतीस में मात्र सत्तर से अस्सी किलो बीज एक बीघा में बीज के रूप में डलता है उसका एक मेन कारण ये है हम लोग आँख से आँख की दूरी लगभग दो फुट रखते हैं जी ये नई वरायटी जितनी भी हैं इन वैराइटियों का इतनी ट्रिलिंग है इतना ब्याँत है कि अगर मान लीजिए इससे आप कम दूरी रखेंगे तो गन्ना पतला रह जाएगा पतला रह जाएगा कमज़ोर पेड़ होगा तो गिरेगा भी बहुत जल्दी एकधा दो फुट की दूरी रखने पे गन्ने का ब्याज चाहे जितना आ जाए गन्ना बढ़िया स्वस्थ और मोटा होगा वैसे अमूमन एक आंख से जब पौधा तैयार होता है और उसका ट्रेलिंग होती है तो कितने कल्ले आ जाते हैं उसमें डॉक्टर साहब आप देख लीजिए कम से कम आठ दस कम से कम आठ आपको गन्ने मिलेंगे आठ से पंद्रह बीस गन्ने एक आँख से आप लोगों को मिलेंगे मतलब एक आँख से कम से कम आठ गन्ने और ज़्यादा से ज़्यादा बीस गन्ने तक हो सकते बीस गन्ने तक जो तेरह दो सौ पैंतीस वरायटी गन्ने में तो डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा ट्रिलिंग है अच्छा ट्रिलिंग से मतलब आपका जो कल्ले निकलते हैं उससे हाँ, है। कल्ले से मतलब क्योंकि कई हिंदी भाषी अपने किसान हैं तो उनको भी समझ में आना चाहिए ये बात जी, अच्छा मैं एक सवाल था मेरा कि आपके यहाँ जो बीघा है वो कितने गज़ का है हमारे यहाँ बीघा सात सौ छप सात सौ छप्पन वर्ग मीटर का है अच्छा और एकड़ एक में छः बीघा हमारे हम लोगों के लिए सवा छः बीघे एक एकड़ में जमीन होती है जी जी अच्छा जो ये आप बीज बो रहे हैं जो नई वैरायटी लगा रहे हैं इसमें कोई कंसुआ वगैरह कोई उस तरह की कोई बीमारी नहीं डॉक्टर साहब ये वैरायटी है अपने आप में बहुत ही वंडर बहुत ही शानदार वैरायटी है इसमें आप लगा लीजिए किस तरह का कोई रोग नहीं है तेरह दो सौ पैंतीस में किस तरह का रोग नहीं है हाँ पंद्रह जीरो तेईस में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लगता है कि क्योंकि क्योंकि ज़्यादा चीनी वाली वेरायटी है अच्छा तो इसमें थोड़ा बहुत लगता है उसके लिए थोड़ा बहुत स्प्रे करके वो सब चीज़ थम जाती है ना इसमें बोरर की कोई समस्या है ना इसमें पोखर रो की कोई समस्या है तो किसानों के लिए आज की तारीख में बहुत ही अच्छी वैरायटी है आजकल किसानों को एक बहुत बड़ी समस्या चारे की है अगर इसमें अंगोला अच्छा तो किसान इस वैरायटी को प्रेफर करेगा और गन्ने का उत्पादन तो अच्छा है ही अच्छा उत्पादन अच्छा ये बताइए जो आप एक बीघे में गन्ना लगाते हैं तैयार होने तक उसमें लागत कितनी आ जाती है पहले तो बोने के समय की बताइए और फिर तैयार होने में कितनी लागत आती है डाक्टर साहब मेनली जब हम लोग बुआई करते हैं तो उस समय जो कूड़ी का खाद हुआ वो डालते हैं तो लगभग तीन बीघे में एक ट्राली खाद हम लोगों का डलता है जी और उसके अलावा एक एकड़ -एक में आप ये लगा लीजिए तीन कट्टा एस एस पी एक कट्टा पोटास और पच्चीस किलो यूरिया ये लोग हम मेन वेसल डोज में डालते हैं अच्छा इसके अलावा जो गन्ने की सत्तर अस्सी किलो बीज डलता है वो लागत है अच्छा तो आप ये लगा लिए लगभग छः से सात आठ आठ हजार रुपये तक मैक्सिमम लागत गन्ने की अच्छा हम लोगों की आती है अब ये जब ये निकलता है तो अमूमन कितने का होता है एक बीघे में गन्ना वो अब डॉक्टर साहब आप लगा लीजिए सौ कुंटल अगर गन्ना निकला साढ़े तीन सौ रुपये रेट है तो पैंतीस हज़ार रुपये बीघा हो गया जी और तैयार होने तक बाकी लागत भी तो आती होगी लगभग इसमें तैयार होने के बाद उसके अलावा तो हम लोगों पे ट्रैक्टर के सभी इम्पलीमेंट्स हैं अच्छा उससे अपने स्प्रे जुताई वो सब अपने हम लोग अपने मैं एक आम किसान के नजरिए से पूछ रहा हूँ कि एक बीघे में कितनी लागत आ जाती है मैक्सिमम मेरे हिसाब से आठ हजार की लागत आती है टोटल बता रहे हैं आप शुरू से लास्ट तक की हाँ। तो आठ हजार पैंतीस हजार में से लगभग सत्ताईस हजार रुपए बीघा इसमें प्रॉफिट आ जाता है सत्ताईस हजार रुपये बीघा हम लोग को गन्ने से मिलता है और जो हमने इसके साथ सहफली खेती आलू की ली थी जी अब मान लीजिए चालीस कट्टे भी निकला और जैसा पिछले वर्ष रेट रहे हैं चार सौ से पाँच सौ कट्टा आलू की आ, आलू बिका हमारा जी तो आराम से द, द, दस बारह हजार रुपए हमें उसके ला, उसके अलावा भी हमें एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती है जो हमारी लागत है वो सब कुछ उसमें हमें वापस मिल मतलब आलू के रूप में आपकी टोटल लागत आ गई ये तो आपका शुद्ध मुनाफा आ गया सोमदत्त भाई हमारा इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य यह है कि जो हमारे किसान भाई उत्पादन नहीं ले पा रहे आज भी वो पुराने बीज बो रहे हैं और उनको उतना मुनाफा नहीं होता और उनको कोई प्रॉफिट नहीं हो पाता थोड़ा सा आप इस बारे में बताइए कि आपने इस चीज़ की शुरुआत करी और मैं देख रहा हूँ आप बहुत अच्छा आपके यहाँ गन्ना है हाइट बहुत अच्छी है उत्पादन बहुत अच्छा बताया आपने तो क्या करें वो लोग सबसे पहले तो मेरा किसान भाइयों से एक सुझाव ये है कि जो जीरो दो सौ अड़तीस एक वैराइटी जो जीरो दो सौ अड़तीस एक वेरायटी थी बहुत ही शानदार वैरायटी थी उसने किसान को भी मालदार किया और मिल को भी मालदार किया लेकिन पिछले कुछ समय से उसमें कंसुए की बहुत ज़्यादा शिकायत है हर तरह के बोरर उस गन्ने में आ गए पोखा बोरिंग इतना ज़्यादा आ गया कि किसान मेहनत और लागत लगाने के बाद भी उसे इतना बढ़िया रिटर्न नहीं मिल रहा तो ये जो नई वैरायटी आई है चाहे उसमें तेरह दो सौ पैंतीस है पंद्रह जीरो तेईस है चौदह दो सौ एक है जिसके यहाँ से जिस, जिस तरह का क्लाइमेट है जो सूट करे उन वैरायटी की तरफ जाना चाहिए जिससे किसान मेहनत करा तो उसे कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी उसे वापस मिले जी किसान भाइयों हो ये थे हमारे साथ में सोमदत्त सैनी जी जिन्होंने आपको अपना गन्ना फार्म दिखाया और गन्ने के बारे में नई वेराइटीज़ के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें जय जय जाज शेयर करें मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान